हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं ये रिपब्लिक डे के लिए बना रही हूँ और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मैंने हेयर बो बनाया, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कपड़ा काटना है 6x4.5 इंच का। तो इसके लिए मैंने सीधी लाइन खींच ली है और अब मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी यहाँ से। ये देखिए, मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ से मैं सीधा कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको 3 कलर का नहीं बनाना है, एक ही कलर का बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हैं, एक ही कलर का पूरा हेयर बो। तो ये देखिए, मैंने लाइन खींच ली है और यहाँ से अब मैं 4.5 में मार्क करूँगी यहाँ से नीचे, और दूसरी साइड से भी मैं 4.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ से भी मैंने मार्क कर लिया और दोनों को मिला देना है और इसको हमने कट कर देना है इतना फैब्रिक। और ये देखिए, मैंने कट कर लिया है और वाइट वाला कपड़ा हमारा बीच में लगेगा। तो ये मैं 6x6 इंच का ले रही हूँ, तो मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया और यहाँ से भी मैं 6 इंच पे मार्क कर दूँगी। दूसरी साइड भी मैंने 6 इंच पे मार्क करना है और सीधी लाइन खींच देनी है, ये देखिए। और ये मैंने सीधा खींच दिया है और अब हमने इसको कट कर देना है। तो सेकेंड फैब्रिक भी हमारा कट गया है, अब हमने ग्रीन वाला फैब्रिक को कट करना है। इस वाले को हमने 5x8.5 इंच रखना है। तो ये देखिए, मैंने मार्क कर लिया 8.5 में और यहाँ से मैंने 5 इंच पे मार्क कर लिया है सीधी लाइन खींचते हुए, और यहाँ से भी मैं 5 इंच पे मार्क कर दूँगी और फिर यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे और इसको हम कट कर देंगे अब। तो मेरी तीनों कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इनको सिलना कैसे है वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने सीधा कपड़ा रखा है और ऐसे फोल्ड कर देना है, 4.5 इंच ऊपर की साइड होना चाहिए। और ये देखिए, ऐसे करके अब हमने यहाँ पे, ये देखिए, इधर की साइड और इधर की साइड सिलाई करनी है, बीच में नहीं करनी है, बीच में हमने गैप रखना है और सिलाई कर देनी है। गैप हम यहाँ पे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने कपड़े को फिर बाद में पलटना है इसलिए। और अब मैं वाइट वाला सिलूंगी इसको। ये 6x6 है तो आप किसी भी साइड से मोड़ सकते हैं और वैसे ही हमने सिलाई कर देनी है जैसे हमने ऑरेंज वाले में किया था। अब हमने ग्रीन वाला सिलना है, तो इसको हमने चारों तरफ सिलना है। ये देखिए, चौक से निशान लगा रही हूँ और ये देखिए, यहाँ पे बीच में गैप छोड़ना है और चारों तरफ हमने सिल देना है इसको। और ये मैंने तीनों सिल दिए हैं। अब जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड धागे बचे हैं, जो भी एक्स्ट्रा, उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया है और इसके साइड में हमने कट लगाने हैं दो जगह। अब देखिए, ये जो ऑरेंज वाला है ना, इसको हमने बीचों बीच ऐसे रखना है, सेंटर में हमने इसको ऐसे रखना है। और ये जो लाइन है ना, इसको दोनों तरफ ऐसे रखना है, ये आप देख सकते हैं। मैं एक और बार बता देती हूँ, ये देखिए, ऐसे हमने इसको सेंटर में रखना है और ये जो है इसको दोनों तरफ रखना है। ये देखिए, एक उधर की साइड और एक उधर की साइड। तो ये देखिए, दोनों तरफ, और यहाँ पे हमने सिलाई मार देनी है ऐसे करके। ये देखिए, ऐसे खोल के सिलाई करनी है, दोनों साइड में हमने सिलाई करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है और ऐसे ही मैं दूसरी साइड में भी सिलाई कर दूँगी खोल के। ये देखिए, दोनों साइड करके एक बार मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे, ये देखिए, दोनों साइड ऐसे करना है हमने, और वाइट वाले में भी हमने ऐसे ही सिलाई कर देनी है। और फिर हमने उसके बाद तीनों को सीधी साइड में पलट देना है। ये देखिए, मैं इसको सीधा कर रही हूँ और इनके कोने हम पिन की हेल्प से कर देंगे। अगर मोटी पिन है, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो अब हमने देखिए, इसको दो फोल्ड में करना है, बीच से फोल्ड करना है। ये देखिए, ये सीधी तरफ है और ये उल्टी तरफ है जिसमें लाइन दिख रही है। तो हमने इसको ऐसे मोड़ देना है सेंटर से बिल्कुल, ये देखिए। और यहाँ पे हमने लाइन खींच देनी है बीचों बीच में, ये एकदम सेंटर में लाइन होनी चाहिए। और हमने बाकी दो में भी ऐसे ही करना है, ये देखिए, बीचों बीच में लाइन खींच देनी है और ये लाइन सीधी तरफ से हम खींचेंगे। जहाँ की साइड हमारी बीच की लाइन दिख रही है वहाँ पे नहीं लगाना है, ये सीधी तरफ से लगाना है। और अब देखिए, ग्रीन के ऊपर 2 सेंटीमीटर में इस वाइट वाले को हमने रखना है, अटैच करना है और पिन लगा देनी है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ये मैंने अटैच किए हैं, ऑरेंज वाला भी और
वाइट वाला भी दो दो सेंटीमीटर का गैप में, और ये लाइन एकदम सेंटर में होनी चाहिए। और अब इसमें सिलाई कर देंगे। और अब सिलाई करने के बाद जो नीचे का धागा है उसको पूरा कट नहीं करना है, बचा के रखना है, और ऊपर का धागा हम पूरा कट कर देंगे। और ये देखिए, ये मैंने इतना छोड़ा है धागा, तो ये देखिए ये अभी सीधी तरफ है जिसमें बीच की लाइन नहीं दिखती है, और ये उल्टी तरफ है जिसमें बीच की लाइन दिखेगी, ये देखिए। और अब हमने इसको मोड़ना स्टार्ट करना है। ये देखिए, जहाँ पे हमने दो दो सेंटीमीटर का छोड़ा था उसी में हमने इसको रखना है ऐसे, ये आप देख सकते हैं। ये मैं उल्टी साइड से कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखें आप। और ये देखिए, ये मैंने ऐसे कर दिया है। और अब जो धागा हमने छोड़ा था उसको हमने बांध देना है। ध्यान रखिए कि जहाँ पे हमने बीच में सिलाई की थी वो सेंटर में ही आना चाहिए, बीच में ही आना चाहिए, उसी में हमने धागा बांध देना है जिस तरीके से हमने पकड़ा है। और ये देखिए, ये मैंने धागा बांध दिया है। और अब मैं थोड़ा सा लूज छोड़ूंगी और फिर उसके बीच में से मैं धागे को निकाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने उंगली फंसाई और ये देखिए इसके अंदर मैंने धागा निकाल दिया है ताकि ये पक्का हो जाए। और ये देखिए, एक्स्ट्रा धागा आप कट कर लें। और ये देखिए सेंटर में आ चुका है। और अब मैं नेवी कलर का कपड़ा कट करूंगी बीच में लगाने के लिए। इसकी जो विड्थ होगी यानी कि चौड़ाई होगी उसको आप 1 से 1.5 इंच तक रखें। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ मैंने अभी 3.5 रखी है, वो बाद में जब हम इसको सिलेंगे तो वो एक्स्ट्रा कट हो जाएगा। तो इसको हमने ऑन फोल्ड में रखना है और यहाँ पे हमने सिलाई कर देनी है। ये देखिए, यहाँ पे सिलाई कर देंगे और एक और बार यहाँ पे जो चौड़ाई है उस एक में हमने सिलाई करनी है, दोनों तरफ नहीं करनी है। यहाँ से हमने मोड़ना है इसलिए मैंने इधर की साइड भी सिलाई की है। और अब हम पिन की हेल्प से इसको सीधी तरफ पलट देंगे और ये मैंने सीधा कर दिया है। अब देखिए, हमने इसको ऐसे रखना है, ये देखिए, और इसको जहाँ आपका सीधा साइड है ना, सीधा साइड मतलब जहाँ की साइड दिखाई देगा उधर की साइड हमने इसको बीचों बीच लगाना है। और जो उल्टा साइड होगा आपका, उल्टा साइड वो वाला होगा जो बीच में सिलाई वगैरह थी, वो वाला उल्टा साइड है। और यहाँ पे हम इसको सिलाई कर देंगे यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिल दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे कपड़े को, ये देखिए। और इसको हमने ऐसे पलट देना है, ये देखिए ऐसे पलट देना है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, इसलिए हम इसको पलट देंगे। और ये देखिए, हमारा बो एकदम रेडी हो चुका है। और अब हमने इसमें एलिगेटर क्लिप अटैच करनी है। और ये देखिए, मेरे पास छोटा वाला एलिगेटर क्लिप है, इसको मैं उल्टी तरफ से अटैच करूँगी और इसको मैं ग्लू करूँगी ग्लू गन से। ये देखिए, ऐसे हमने इसको डालना है, ये देखिए इसके अंदर, और मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से अटैच कर दूँगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप किसी और ग्लू से भी कर सकते हैं। मेरे पास ग्लू गन है तो इसलिए मैं इसी से अटैच कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने साइड साइड में इसके ग्लू लगा दिया है। और ये देखिए, एकदम ये एकदम से चिपक जाता है तो ये बहुत अच्छा है। और हेयर क्लिप एकदम रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।